हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल में सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल का आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में सीआईबी का एबीएम का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 2 है। पहला सवाल है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? ए ऑप्शन है काइंस, बी ऑप्शन है रिकार्डो, सी ऑप्शन है एडम स्मिथ, डी ऑप्शन है जेएस मिल। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एडम स्मिथ। मैनी ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक इमर्ज फ्रॉम, बोलता है बहुत सारा जो बेसिक प्रॉब्लम होता है इकोनॉमिक का वो इमर्ज होता है। ए ऑप्शन है अनलिमिटेड रिसोर्सेज, बी ऑप्शन है इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट, सी ऑप्शन है द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, डी ऑप्शन है अनलिमिटेड वांट्स। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। फिर यूटिलिटी मे बी डिफाइंड एज, जो यूटिलिटी होता है उसको हम डिफाइन करते हैं। ए ऑप्शन है द पावर ऑफ ए कम्युनिटी टू सेटिस्फाई वांट्स, बी ऑप्शन है आपका डिजायर ऑफ ए फॉर ए कम्युनिटी, सी ऑप्शन है द यूजफुलनेस ऑफ ए कम्युनिटी, डी ऑप्शन है द नेसेसिटी ऑफ ए कम्युनिटी। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, द पावर ऑफ ए कम्युनिटी टू सेटिस्फाई वांट्स। फिर द यूटिलिटी ऑफ कम्युनिटी इज, जो यूटिलिटी होता है कम्युनिटी का वो क्या है? ए ऑप्शन है इट्स एक्सपेक्टेड सोशल वैल्यू, बी ऑप्शन इट्स रियलिटी इट्स रिलेटिव स्कार्सिटी, सी ऑप्शन है द एक्सटेंट ऑफ इट्स प्रैक्टिकल यूज, डी ऑप्शन है डिग्री ऑफ इट्स फैशन। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, इट्स रिलेटिव स्कार्सिटी। फिर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व फॉर ए गिवन कंज्यूमर इज ऑल्सो हिज, बोलते मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो होता है किसी भी कंज्यूमर का वो क्या है? ए ऑप्शन है इंडिफरेंस कर्व, बी ऑप्शन है डिमांड कर्व, सी ऑप्शन है सप्लाई कर्व, डी ऑप्शन है टोटल यूटिलिटी कर्व। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, डिमांड कर्व। फिर द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन, बोलते जो टोटल यूटिलिटी होता है मैक्सिमम होता है जब ए ऑप्शन एम यू इज जीरो, बी ऑप्शन ए यू इज द हाईएस्ट, सी ऑप्शन ए एम यू इज द हाईएस्ट, डी ऑप्शन एम यू इज इक्वल टू ए यू। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एम यू यूज जीरो। 27 क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट, जो बोलता है जो लॉ ऑफ मार्जिनल जो लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या बताता है? ए ऑप्शन है एज ए मोर ऑफ कम्युनिटी इज कंज्यूम्ड टोटल सेटिस्फेक्शन डिमिनिशेस, बी ऑप्शन है द मोर यू हैव ऑफ ए पार्टिकुलर कम्युनिटी द लेस यू वांट फॉर इट, सी ऑप्शन एज मोर यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी आर प्रोड्यूस्ड द प्राइस ऑफ द कम्युनिटी विल फॉल, डी ऑप्शन है द कंजम्पशन ऑफ फर्दर यूनिट्स ऑफ ए कम्युनिटी विल ब्रिंग स्टडी इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑब्टेंड। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, द अमाउंट यू हैव ऑफ ए पार्टिकुलर कम्युनिटी द लेस यू वांट मोर ऑफ इट, बी ऑप्शन है। फिर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और इंक्रीजिंग कॉस्ट विल ऑपरेट एट एन अर्लियर लेवल इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री देन इन इंडस्ट्री बिकॉज, बोलते जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है या फिर इंक्रीजिंग कॉस्ट होता है वो ऑपरेट करता है अर्लियर लेवल पे जहां एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में अगर कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर में एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री, ठीक है क्यों? ए ऑप्शन है द मैकेनाइजेशन इज अप्लाइड एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर, बी ऑप्शन है एग्रीकल्चर इज एन इंडस्ट्री वेयर लैंड इज यूज्ड एक्सटेंसिवली, सी ऑप्शन है लेस मैकेनाइजेशन इज एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर, डी ऑप्शन है मोर लेबर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। सही ऑप्शन है बी, एग्रीकल्चर इज एन इंडस्ट्री वेयर लैंड इज यूज्ड एक्सटेंसिवली। 29 क्वेश्चन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है स्पिल ओवर कॉस्ट, बी ऑप्शन है अल्टरनेटिव कॉस्ट, सी ऑप्शन है सोशल कॉस्ट, डी ऑप्शन है मनी कॉस्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अल्टरनेटिव कॉस्ट। फिर क्वेश्चन 30 है, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कम्युनिटी अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम रिजल्ट्स इन, बोलते हैं अगर प्राइस जो होता है किसी भी कम्युनिटी का बढ़ जाता है दूसरे जो चीज होते हैं वो सारे सवाल रहते हैं तो इससे क्या होगा? ए ऑप्शन इंक्रीज इन प्राइसिंग, बी ऑप्शन इंक्रीज इन क्वालिटी सप्लाइड, सी ऑप्शन इंक्रीज इन डिमांड, डी ऑप्शन टैक्सेस। सही ऑप्शन है बी, इंक्रीजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड। फिर सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट इफ डिमांड इंक्रीजेस प्राइस विल, बोलता सप्लाई अगर कांस्टेंट हो जाए और जो डिमांड वो बढ़ जाए प्राइस उसके बाद क्या होगा? ऑप्शन है राइज, बी ऑप्शन है रिमेन कांस्टेंट, सी ऑप्शन है फ्लक्चुएट, डी ऑप्शन ऑल, डी ऑप्शन है फॉल। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, राइज। फिर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज सेड टू एग्जिस्ट, बोलते परफेक्ट कॉम्पिटिशन तब कहा जाएगा जब ए ऑप्शन है देर आर होमोजीनियस प्रोडक्ट, बी ऑप्शन है ईच फर्म इन इंडस्ट्री एक्सेप्ट मार्केट प्राइस बिकॉज इट हैज टू एक्सेप्ट इट, सी ऑप्शन है प्राइस इज फिक्स्ड नॉट बाय ए फर्म, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, एंड सारी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 33 है, कंज्यूमर सरप्लस इज हाईएस्ट इन केस ऑफ, कंज्यूमर का जो सरप्लस होता है हाईएस्ट होता है उस केस में, ए ऑप्शन लग्जरीज, बी ऑप्शन नेसेसिटीज, सी ऑप्शन कंफर्ट, डी ऑप्शन कन्वेंशनल नेसेसिटीज। सही ऑप्शन आ जाएगा बी नेसेसिटीज। फिर ए गिवन गुड्स इज वन फॉर विच इन रिस्पॉन्स टू ऑल चेंज इन प्राइस, टू ऑल इन रिस्पॉन्स टू स्मॉल चेंज इन प्राइस, मतलब जो गिफेन होता है गुड्स का वो है जहाँ पे रिस्पॉन्स जो होता है छोटे चेंजेस का प्राइस में होता है। ऑप्शन है जीरो, इनकम इफेक्ट इज जस्ट आउट वेटेड बाई ए पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। बी ऑप्शन है ए नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज जस्ट आउट वेड बाई पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। बी ऑप्शन है द ए जीरो इनकम इफेक्ट इज मेजर्ड बाई ए जीरो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। डी ऑप्शन है नेगेटिव इनकम इफेक्ट आउटवेड एनी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सही ऑप्शन जगह बी, ए नेगेटिव इफेक्ट इज जस्ट आउटवेड बाई पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। फिर विच इज करेक्ट, ये ऑप्शन है एन इंक्रीज ऑफ डिमांड इज नॉट, विच इज करेक्ट में कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन है एन इंक्रीज ऑफ डिमांड इज नॉट द सेम थिंग एज एन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। बी ऑप्शन है एन इंक्रीज ऑफ डिमांड इज द सेम थिंग एज एन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। सी ऑप्शन है एन इंक्रीज ऑफ डिमांड इज जस्ट इक्वल टू द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। डी ऑप्शन है ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। ई ऑप्शन है इंक्रीज ऑफ डिमांड इनवेरिएबली रिड्यूसेस द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, एन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज नॉट द सेम थिंग एज एन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। फिर डिमांड मीन्स, डिमांड का क्या मतलब है, ए ऑप्शन है डिजायर एंड विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बी ऑप्शन डिजायरेबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट ए गिवन टाइम एंड प्राइस। सी ऑप्शन है आपका डिमांड, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है नेदर ऑफ द अबव। सही ऑप्शन है बी, द डिजायर एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट ए गिवन टाइम एंड प्राइस। फिर डिमांड फंक्शन फॉर ए कम्युनिटी इज डिफाइंड, डिमांड फंक्शन मतलब किसी भी कम्युनिटी को उसको हम डिफाइन करते हैं। ए ऑप्शन है क्वांटिटी डिमांडेड इज ए फंक्शन ऑफ द गुड्स ऑन प्राइस, द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट एंड द बायर्स इनकम। फिर बी ऑप्शन है द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट इज फंक्शन ऑफ द गुड्स ऑन prices. C option है quantity demanded is a function of the price of other goods. D option all the above. सही ऑप्शन हो जाएगा A, quantity demanded is a function of goods on price, the price of the substitute and the buyer's income. A option है, ठीक है। फिर in the typical demand schedule quantity demanded, मतलब typical demand का और schedule चल रहा है उसमें quantity demanded जो होगा, A option है varies directly with price, B option है varies proportionally with price, सी ऑप्शन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस, डी ऑप्शन विराज इनवर्सली विद प्राइस। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, विराज इनवर्सली विद प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स डेट वेन, बोलता है लॉ ऑफ डिमांड जो होता है बताता है, ए ऑप्शन है इनकम राइजेस डिमांड राइजेस, बी ऑप्शन है प्राइस राइजेस डिमांड राइजेस, सी ऑप्शन है प्राइस फॉल्स डिमांड फॉल्स, डी ऑप्शन है प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। सही ऑप्शन है डी, प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। फिर लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट करता है, ए ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बी ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कम्युनिटी एंड बी ऑप्शन के रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, सी ऑप्शन है रिलेटिव द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ टू कम्युनिटी, बी ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कम्युनिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कम्युनिटी एंड द क्वालिटी डिमांडेड हो जाएगा। यहाँ पे आपका CAIIB का एडवांस बैंक मैनेजमेंट का वन डे चैलेंज प्रोग्राम है, यानी एक दिन में आप CAIIB का ABM का पेपर खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको पूरा वीडियो लेक्चर कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं जो 12 घंटे का होता है, केस स्टडी का वीडियो 6 घंटे का होता है, 2000 का क्वेश्चन बैंक है, सुपर नोट्स क्या होता है, स्क्रीनशॉट्स रहते हैं या फिर फोटोज खींचे रहते हैं, एडिशनल रीडिंग मटेरियल भी रहेगा और लाइफ लॉन्ग इसकी वैलिडिटी रहती है। CIIIB का आपको जो कोर्स करना है वन डे चैलेंज प्रोग्राम, यानी एक दिन में चाहे ABM हो BFM हो रिटेल बैंकिंग जिसको कवर कर सकते हैं केवल एक दिन में, वो क्या है CIIIB का ABM BFM या रिटेल कोई भी पेपर करते हैं उसका दाम है फीस 1500 रुपये, CIIIB का दोनों कंपल्सरी पेपर करते हैं या फिर आप ABM प्लस BFM बोल लीजिए उसका फीस 2700 रुपये, CIIIB का दोनों कॉमो पे करते हैं तीनों पेपर का उसका प्राइस है आपको फीस 3500 रुपये।
ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4996852727 7 7 7 4 6 7 4 6। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ओनली नोट प्लेस कर सकते हो, वेबसाइट जाएगा www.jbcibstudymail.com, ईमेल आईडी हो जाएगा सेट सेवा डॉट जीमेल डॉट कॉम।